तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के मोबाइल में जो डिवाइस केयर की जो ऐप होती है, या बोल सकते हैं जो सेटिंग होती है, उसके अंदर एक नया अपडेट आया और एक दो नए फीचर को वहां पर ऐड कर दिया गया है। दोस्तों ये फीचर क्या है और कैसे आपका यूज में होने वाला है और एक्चुअल में आपको उससे फायदा क्या होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा डिवाइस केयर पूरे मोबाइल का मेंटेन करके रखती है, बैटरी, स्टोरेज, रैम, हर चीज को वहां पर आपने मेंटेन करके रखती है। इसके लिए मैंने स्पेशल पूरी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चाहे वो देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ उसमें नया जो फीचर ऐड किया गया है, अगर आपके मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है या बोल सकते हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, तो ये फीचर डेफिनेटली आपके काम का आएगा, क्योंकि वो वहां पर आपको एक एक चीज बताएगा कि आपने लास्ट मोबाइल कब चार्ज किया था और आपकी मोबाइल में कौन सी ऐप सबसे ज्यादा बैटरी यूज कर रही है और उसको कैसे आप डिटेक्ट करेंगे। तो ये वाला फीचर इसके लिए है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको सैमसंग के नया जो डिवाइस कह रहे हैं उसके अपडेट के नए फीचर के बारे में बताने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर में या अपने गैलेक्सी स्टोर में जा सकते हैं, तो आपको वहां जाना है, वहां जाके लिख लेना है डिवाइस केयर, जो कि देख रहे होंगे मैंने यहां पर लिखा हुआ डिवाइस केयर, और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर लेटेस्ट न्यू आ चुका है और यहां पर उसमें नए फीचर भी लिखे हुए हैं। लास्ट अपडेटेड 29 अप्रैल दिखा रहा है, बट ये अभी अभी मैंने अपडेट करा है, मेरे पास जस्ट अभी दिख रहा था तो मैंने अपडेट करा है, उसमें नए फीचर को ऐड किया गया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ बग्स को फिक्स किया गया है और एक नए फीचर को ऐड किया गया है, ऐड न्यू बैटरी ग्राफ सिंस लास्ट फुल चार्ज। जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर एक नया ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है, जिससे अब अपनी अगर आपकी बैटरी ड्रेन होती है, बहुत जल्दी ख़त्म होती है, तो आप उसका पता लग पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है डिवाइस केयर, आपको दिख रहा होगा डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो बैटरी दिख रहा है, बैटरी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना बैटरी यूजर्स में, पहले आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता था, नीचे आपको लास्ट 7 डेज ही मिलते थे, और ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है सिंस लास्ट फुल चार्ज वाला ऑप्शन नहीं मिलता था, जो कि लेटेस्ट अपडेट में आया है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि आपने कब मोबाइल कितना यूज़ कर लिया लास्ट फुल चार्ज होने के बाद। जैसे मैंने यहाँ लास्ट फुल चार्ज जब करा था उसके बाद मैंने 2 घंटे 13 मिनट यहाँ पर मोबाइल को अपने यूज़ कर लिया है, और उसमें सबसे ज़्यादा मेरी बैटरी किसने खाई है, सैमसंग इंटरनेट ने, इंस्टाग्राम ने, और ये आपने दिख रहे होंगे ये ओपन कैमरा ने, गूगल ने, यूट्यूब ने, आपको सब चीज़ दिख रहे होंगे। इसमें आपको डिटेक्ट करना है कि अगर कोई फालतू की ऐप है जो आपकी बैटरी खा रही है, या बोल सकते हैं फालतू की मेमोरी बैकग्राउंड में चल रही है, तो आप उसको अनइंस्टॉल, अगर आपकी ज़्यादा यूज़ की नहीं है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं या उसको बैकग्राउंड यूज से ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी यूजेस बढ़ जाएगा और आपकी जो बैटरी जल्दी ख़त्म होती है उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्क्रीन ऑन टाइम, मैंने कितने घंटे यहाँ पर स्क्रीन को ऑन रख के रखा, 1 घंटा 43 मिनट मैंने स्क्रीन को ऑन रखा और टोटल मुझे 2 घंटे 13 मिनट हो चुके हैं लास्ट चार्ज करें। अभी मेरे मोबाइल की बैटरी 84% है, मतलब 16% में मैंने 2 घंटे 13 मिनट मोबाइल को यूज, मतलब 2 घंटे 13 मिनट हो चुके हैं और अभी तक मैंने 1 घंटा 43 मिनट अपने मोबाइल को यूज़ कर लिया है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो एक एक चीज़ आपको पूरा ग्राफ वाइज भी दिख रहा होगा, आप ग्राफ के वाइज हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद और आपको देखना है लास्ट 7 डेज का, तो लास्ट 7 डेज पे जाएंगे तो आप यहाँ पर पूरी ब्रीफिंग देख सकते हैं दोस्तों। लास्ट 7 डेज में लाइक 20 तारीख आज की दिखा रहा है, आपको कल का देखना है तो 19 पे आप क्लिक कर देंगे तो 19 में आपने कहाँ का यूज़ करा सब चीज़ें दिखा देगा, कितनी देर यूज़ करा मोबाइल, टोटल आपने 5 घंटे 52 मिनट यूज़ करा। ऐसे ही 18 पे चले जाएंगे तो वो आपको बता देगा, 18 पे क्लिक करो तो वहाँ बता देगा आपने 6 घंटे 51 मिनट यूज़ करा। ऐसे ही 17 पे चले जाएंगे 7 घंटे, ये आपको सारी टोटल दिख जाएगा और कितनी कितनी जगह आपकी बैटरी यूज़ हुई है, कौन कौन सी ऐप आपको रन कर रही है, तो आपको ये फ़ायदा दिखा देगी। आपको इसमें फ़ायदा ये होगा जो भी आपकी बैकग्राउंड में ऐप चल रही है आपको यहाँ देख लेना है पर्टिकुलर डे वाइज, और आपको जो लगता है कि यार ये वाली ऐप मेरी अनयूज्ड है और ज़्यादा मैं उसको यूज़ भी नहीं करता फिर भी इतनी बैटरी खा रही है, तो आप उसको वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं या बैकग्राउंड डेटा से ऑफ कर सकते हैं। और आपको ऊपर यहाँ देखेंगे बैक आएंगे तो आपको दिखा रहा है कि अभी मेरी बैटरी जिस 84% के हिसाब से 10 घंटे मेरी बैटरी और चल सकती है, 10 या 11 घंटे भी और चल सकती है। दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट था डिवाइस केयर की तरफ से सैमसंग के, जो कि मैंने आपको बताया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ कमी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ
पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। और हो सके तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।